झालावाड़ में सम्राट मेहर भोज मामले को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने की स्थिति में हो गए थे। पुलिस और प्रशासन दोनों को रोकने के पूरे प्रयास किए, लेकिन गुर्जर समाज ने विशाल रैली निकाली। राजपूत समाज की ओर से झालावाड़ कोतवाली पर प्रदर्शन किया गया। राजपूत के नेता रवि प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने पर राजपूत समाज के लोग नाराज हो गए और रोड जाम करते हुए टायर जलाकर रोड अवरुद्ध कर दिया गया। जमकर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई है। इसके बाद जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और एसपी ऋचा तोमर ने पहुंचकर समझाया। इसके बाद रास्ता खुलवाया और राजपूत समाज के छात्रावास में बैठकर समाज के लोगों से चर्चा की गई है, उनकी बात सुनी और उसके बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। राजपूत समाज ने 18 अक्टूबर को मीरभोज में जयंती के अवसर पर विशाल रैली का आयोजन करने की भी बात कही। जानकारी के लिए आपको बता दें कि झालावाड़ में मीरभोज वाले मामले को लेकर गुर्जर समाज ने रैली निकालने की घोषणा की थी, लेकिन निषेधाज्ञा लगी होने के कारण जिला प्रशासन ने गुर्जर समाज के नेताओं से बातचीत करने का रास्ता निकाला था। प्रदर्शन किया जा रहा है गुर्जर समाज की ओर से, आपने एक संदेश भी जारी किया था, क्या मामला है? देखो, हमारे राजा की जयंती है और उसमें हम गौरव यात्रा निकालने, जो कि एक शांतिपूर्वक तरीके से पूरा समाज इकट्ठा होकर के सभी प्रदेशों के गुर्जर एक साथ इकट्ठा होकर के शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा को सफल बनाएंगे। कितना किलोमीटर की रैली निकाल रही है आप लोग? हमारी रैली 10 किलोमीटर की है। प्रशासन ने धारा 163 भी लगा रखी है। प्रशासन का पूरा सहयोग है, हम प्रशासन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, और हम भी प्रशासन के ही लोग हैं। हमने आजादी के लिए, इस देश के लिए बहुत बलिदान दिए थे, हम अपने पूर्वजों की यात्रा नहीं निकाल सकते क्या? प्रशासन बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हमारा बहुत साथ दे रहा है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हमें, और न हम किसी को किसी तरह की दिक्कत करेंगे। आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा को सफल बनाएंगे। सर, एक बार नाम बताएं अपना। नाम मेरा नाम कपिल गुर्जर है और इन भाई का नाम है लोकेंद्र गुर्जर, ये मध्य प्रदेश से और ये चंद्रभान अदाणा राजस्थान भरतपुर से, कर्नल जी की सेना से। क्या बात हुई था कि आज मीरभोज जी की जयंती है। प्रशासन से कल बात हो चुकी थी, 3 दिन से बात चल रही है कि किसी भी तरह की गुर्जर समाज की भी कोई रैली नहीं निकलेगी और राजपूत समाज से भी कोई रैली नहीं निकलेगी। जिसे भी जयंती मनानी है वो अपने घर पे बैठ के मनाए। उसके बावजूद भी गुर्जर समाज से 5,000 लोग पूरे शहर में घुस गए और हमारे मात्र 100 व्यक्ति, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, 100 व्यक्ति मात्र सिर्फ राजपूत समाज के सामने खड़े हुए, तो उनपे दादागिरी दिखा रहे हैं आप, क्योंकि संख्या बल कम है। ये संख्या बल मारपीट करने की बहुत मारपीट हो रही है, और अभी भी हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारे उस आदमी को जो अंदर लेके गए उनको छोड़ा है और हम सारे के सारे अभी बना को छोड़ दे, एक ही मांग है। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? ढीलाशाही कर रहा है। प्रशासन खुद नहीं चाहता कि ये मामला सुलझे, प्रशासन खुद उसको उलझाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था, हम यही, आप कोई रैली मत निकालो, कोई इकट्ठे मत हो। उसके बाद हम इकट्ठे नहीं हुए था और वो इकट्ठे हुए, कहा कि 144 धारा का कहां का पालन कर रहे हैं। अगर आपसे इकट्ठे नहीं होते तो आप बाहर से पुलिस वाले बुलाते ना, आप 500 की जगह 5,000 पुलिस वाले। हमें इकट्ठे होने देते। न्यूज के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विधिवत जयंती 18 अक्टूबर को वीरभोज की जयंती आती है और ये रोज जयंती मना रहे हैं।